कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण निर्माण कार्य लगभग बंद होने के कारण श्रमिकों के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई। ऐसे में कटिहार नगर निगम ने विकास कार्य को गति देकर 200 से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया है। एक रिपोर्ट। कोरोना काल में लॉकडाउन रहने के बावजूद कटिहार नगर निगम जहां एक ओर विकास के कार्य को लगातार गति दे रही है, वहीं दूसरी ओर अपने गांव लौटे प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार मुहैया करा रही है। इस लॉकडाउन के दौरान सबसे खास बात यह है कि करीब 200 से अधिक प्रवासी मजदूरों को इस नगर निगम के द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य से जोड़ा गया है। इस वित्त वर्ष में नगर निगम के द्वारा जल जमाव से मुक्ति को लेकर करीब 20 करोड़ की लागत से कुल 43 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें जल जमाव वाले इलाकों में 16 परियोजनाओं पर काम भी शुरू कर दिया गया है। कटिहार नगर निगम क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र जैसे MG रोड, अनाथालय रोड, हाई स्कूल पारा, गामी टोला, पानी टंकी चौक समेत करीब एक दर्जन इलाके में जल जमाव की समस्या गंभीर बनी हुई है और जल जमाव की समस्या रहने की वजह से इन इलाके में आवागमन करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। फिलहाल जिले में लॉकडाउन रहने की वजह से जहां एक ओर दुकानें बंद हैं और सड़कें सूनी हैं, इन इलाकों में भीड़ भाड़ नहीं रहने की वजह से कार्य में काफी तेजी आई है। इन इलाकों में काफी भीड़ रहने की वजह से सामान्य दिनों में कार्य कर पाना काफी मुश्किल था। वैसे MG रोड पूरे शहर में सबसे व्यस्ततम मार्ग माना जाता है, क्योंकि यह इलाका कपड़े की थोक की मंडी भी है और इन्हीं गंभीर समस्याओं को निजात दिलाने के मकसद से पहले इन 16 परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया गया है। नगर निगम के सहायक अभियंता अमर कुमार झा बताते हैं कि इन सभी कार्यों के समापन के बाद शहर में जल जमाव की समस्या करीब करीब खत्म हो जाएगी। 43 योजना है जो पूर्व से ली गई थी और उसमें पूरे शरीफगंज का है 4.25 करोड़ का। ये जहां अभी हम लोग MG रोड में खड़े हैं, इसमें 2.5 करोड़ का योजना है। प्रवासी मजदूर हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य होने से उनको काम मिल रहा है, जो सरकार की भी प्रतिबद्धता है। वहीं इन जल जमाव वाले इलाकों में कार्यरत परियोजनाओं पर कार्य कर रहे प्रवासी मजदूरों ने बताया कि कोरोना काल के दौरान बाहर के प्रदेशों में काम नहीं मिलने की वजह से वे लोग अपने घर वापस लौट आए हैं। अब यहाँ सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें अपने जिले में ही रोजगार मिलने से उनकी बेरोजगारी भी दूर हुई है। इन परियोजना स्थल पर कार्यरत ज्यादातर मजदूर दिल्ली और केरल में काम करते थे। लॉकडाउन लग गया कोरोना काल में, वो बोला कि काम नहीं होगा, अभी कुछ सामान नहीं मिल रहा है, सही व्यवस्था नहीं है। रूम मालिक बोला अभी घर चला जाओ, अभी कोरोना खत्म होगा उसके बाद आना है। तो हम लोग घर आए, घर आकर कुछ दिन बैठे रहे हैं, अभी काम मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, काम कर रहे हैं। आसान लग रहा है, इधर ही आसान लग रहा है, बाहर में बहुत तकलीफ हो रहा था, राशन पानी नहीं मिल रहा था लॉकडाउन के वजह। इधर बहुत अच्छा मिल रहा है, जो भी मिल रहा है तो बहुत अच्छा मिल रहा है, अपना लोकल में काम चल रहा है। तो निश्चित तौर पर कटिहार जिले के इन जल जमाव वाले इलाके में बरसात के पहले अगर नाला और सड़क का निर्माण हो जाता है तो न सिर्फ शहरवासियों को जल जमाव से राहत मिलेगी, बल्कि बाहर के प्रदेशों से लौटे प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार मिलने से उनके भूखे पेट में रोटी का दो निवाला जा सकेगा। निश्चित तौर पर लॉकडाउन के अवसाद को कटिहार नगर निगम तेज गति से निर्माण कार्य संपन्न करने के अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रही है। कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।